दोस्तों राफेल या फिर सुपर हॉर्नेट, कौन सा फाइटर जेट ज्यादा सही रहेगा हमारे INS विक्रांत के लिए? सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, INS विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है, बट अब INS विक्रांत के लिए कौन सा फाइटर जेट ज्यादा सही रहेगा इसकी तलाश अभी जारी है। अब देखिए, इस लिस्ट में दो फाइटर जेट सबसे ऊपर हैं। अब एक है राफेल और दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट। अब आप देखोगे तो यहाँ पे F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल, इन दोनों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल चालू है और बहुत ही जल्दी हमको ये पता भी लग जाएगा कौन सा फाइटर जेट हमारे INS विक्रांत पे तैनात होने वाला है। बट अब उसके पहले चलिए ये जान लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कितना ताकतवर है। बट अब वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रेस में है वो फाइटर जेट्स हैं राफेल मरीन यानी कि राफेल M और बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट। अब देखिए, इन दोनों फाइटर जेट्स का ट्रायल गोवा स्थित INS हंसा पर हो चुका है और ट्रायल टीम ने अपनी रिपोर्ट को नेवी के हेडक्वार्टर्स में भेज दी है। अब बताया ये जा रहा है कि नेवी के हेडक्वार्टर में जो रिपोर्ट गई है उस रिपोर्ट का इवोल्यूशन चल रहा है और ये भी उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी इस पर डिसीजन भी आ जाएगा। अब देखिए, नेवी किसे चुनेगी किसे नहीं चुनेगी ये तो बात की बात है, बट अभी के लिए चलिए ये जान लेते हैं कि राफेल और फिर F-18 सुपर हॉर्नेट में कौन कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, पहले ना स्पीड की बात करते हैं। तो देखिए, स्पीड के मामले में राफेल बाजी मारता है। अब राफेल M की जो मैक्सिमम स्पीड है ये Mach 2 की है, Mach 2 यानी कि 2469 किलोमीटर पर आर की, और वहीं पे सुपर हॉर्नेट की जो मैक्सिमम स्पीड है Mach 1.8 की है यानी कि करीब करीब 2222 किलोमीटर पर आर की। अब यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो राफेल की जो रेंज है ये 3700 किलोमीटर की है और वहीं पे सुपर हॉर्नेट की जो रेंज है ये 3300 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भाई स्पीड और रेंज के मामले में कौन कितना बेहतर है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो राफेल M में एक पायलट बैठ सकता है यानी कि एक पायलट उड़ा सकता है और वहीं पे सुपर हॉर्नेट में एक से दो पायलट बैठ सकते हैं। अब इसके अलावा आप देखोगे तो 50.1 फीट लंबा राफेल हॉर्नेट से करीब 10 फीट छोटा है और हॉर्नेट का वजन भी राफेल से ज्यादा है। वैसे आपको बता दूं, जो फाइटर जेट छोटे होते हैं वो मतलब ज्यादा कैपेबल होते हैं किसी रडार वगैरह को बीट करने में, वैसे आप देखोगे तो राफेल भी बड़ा ही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइटर जेट को इंटरनेशनल लेवल पे ना अलग अलग तरीके से रेटिंग्स दी जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो इसमें ना BVR जो रेटिंग होती है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब राफेल M की जो रेटिंग है 100 में से वो है 90% और वहीं पे सुपर हॉर्नेट की जो रेटिंग है ये है करीब करीब 83%। अब वेपन्स के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 नंबर्स मिले हैं, वहीं पे हॉर्नेट को 10 में से 7.9 नंबर्स मिले हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो हॉर्नेट में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसके लिए हॉर्नेट को 10 आउट ऑफ 8.9 पॉइंट्स मिले हैं और वहीं पे राफेल को 8.5 पॉइंट्स मिले हैं 10 में से, यानी कि टेक्नोलॉजी में हॉर्नेट बेटर है, वहीं पे हथियारों के मामले में आप देखोगे तो राफेल ज़्यादा बेटर है। अब इसके अलावा भी आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जब किसी फाइटर जेट वगैरह को कंसीडर करना होता है, जैसे कि प्राइसिंग देखा जाता है, फिर मेंटेनेंस वगैरह और भी अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फाइटर जेट हमारे लिए सही रहेगा। अब वैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ कंपैरिजन बताया है, अब मुझे आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही लगा है। वैसे नेवी तो कुछ दिन में बता ही देगी कि भाई हमारे लिए हॉर्नेट ज़्यादा सही रहेगा या फिर राफेल। वैसे आप यहाँ पे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा फाइटर जेट हमारे INS विक्रांत के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।